अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुबह सुबह हमें दिख गया कूड़ा। सो अभी हम निकले हैं अपनी जर्नी के ऊपर। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। यहाँ पे सड़क थोड़ी ख़राब है, अभी यहाँ पे मैं घर से निकला हूँ। कहाँ निकला हूँ थोड़ी देर में आपको बताऊँगा, एक बढ़िया सी छोटी सी क्यूट सी रोड ट्रिप के ऊपर। ये रोड ट्रिप कुछ खास होने वाली है। खास क्यों होने वाली है? क्योंकि ये रूट मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू। मैं आज तक इस रूट पे नहीं गया, मतलब इसका जितना रूट है उसका सिर्फ 10-15% मैंने किया होगा, उसके आगे का मैंने कभी नहीं किया। तो जाने वाले हैं इस रूट पे, अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। एक काम करते हैं, पहले बाहर आउटर पे पहुँचते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। सो अभी मैं पहुँचा हूँ मानेसर। यहाँ पे एक जो इस रूट पे मैक्सिमम मैं यहाँ तक आया हूँ, इसके आगे का रूट जो है वो मेरे लिए नया है। यहाँ पे एक मारुति का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे क्रेटा सिर्फ बनाई जाती है, सिर्फ क्रेटा गाड़ी वहीं पे बनती है, बाकी अलग सारी कहीं और बनती हैं। सो इसलिए यहाँ के बारे में पता, और यहाँ मैं आया भी हुआ हूँ। तो इसके आगे का रूट जो है वो मेरे लिए पूरा नया है। आज का दिन जो है हमारा थोड़ा सा लॉन्ग होगा, 600 किलोमीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली होगा। कल के 3-4 दिन फिर वो छोटे छोटे दिन हैं, तो क्योंकि उसमें हम वहाँ घूमेंगे फिरेंगे। और ये आज का जो है हमारा, हम स्टे करेंगे मैं उदयपुर में। उदयपुर में प्लान किया है, बाकी देखते हैं कि कहाँ पे पहुँचते हैं। बाकी ये रूट में मुझे पता है कि हाँ उदयपुर तक हम पहुँच सकते हैं। जयपुर है यहाँ से करीब 170 किलोमीटर, और नीम राणा है यहाँ से करीब 24 किलोमीटर। और ये आज तक की मैंने जितनी भी रोड ट्रिप्स करी हैं अभी तक, आज तक की सबसे मुश्किल रोड ट्रिप रही है। जो पहले 100 किलोमीटर में मुझे प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम नहीं बोले तो, मैं 8 बजे करीब, और जो लोग 8 बजे करीब निकला था, और जो लोग दिल्ली से हैं और दिल्ली टू वो ट्रैवल करते हैं, दिल्ली टू गुड़गांव, तो वो इस दर्द को समझ सकते हैं। और हमें भी रोकने की कोशिश नहीं कर सकता कोई, मतलब नहीं रोका। तो हाँ, जो मैं बता रहा था कि जो लोग दिल्ली टू गुड़गांव ट्रैवल करते हैं वो इस दर्द को समझ सकते हैं कि वर्किंग डे में दिल्ली से गुड़गांव जाना कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो वो पहले 100 किलोमीटर मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट, जो कि मुझे करीब लग गया 2.5 से 3 घंटे, 3 घंटे लग गए पहले 100 किलोमीटर करने के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कोई ढाबा है तो रुक के कुछ खाना पीना करते हैं, पेट पूजा करता हूँ, क्योंकि भूख लगनी शुरू हो चुकी है। कहाँ चले जाते ट्रिप पे? जो पराठा खाने का मज़ा है ना वो कहीं नहीं है। जो ये तंदूरी पराठा होता है ना, जो और जो रोड ट्रिप के ऊपर मज़ा आता है खाने का, बहुत मज़ा आता है। तो बहुत भूख लगी हुई थी, अब मज़ा आएगा, काफ़ी बड़ा है। अच्छा हुआ मैंने 2 ऑर्डर नहीं किए। तो फटाफट से पराठा खाते हैं, फिर आपसे बाहर मिलता हूँ, क्योंकि पराठा खाने में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। आप मुझे देखते रहो पराठा खाते हुए। अच्छे से भर गया है मेरा, आराम से पेट, भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। टाइम हो रहा है 12:15। यहाँ पे अब यहाँ से आगे है 550 किलोमीटर उदयपुर। लेट्स सी, मेरे को नहीं पता होगा या नहीं होगा। होगा तो पहुँच जाएंगे उदयपुर, नहीं होगा तो जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ पे स्टे कर लेंगे, कल आगे की जर्नी करेंगे। सो अभी जो यहाँ पे पहुँचा हूँ, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे सारे माउंटेंस भी शुरू हो चुके हैं। थोड़े छोटे हैं इस रूट पे, ज़्यादा बड़े माउंटेंस नहीं होते, छोटे होते हैं। सो बढ़िया है, सो फॉर सो गुड, अभी तक सब सही चल रहा है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इस रूट पे ना ट्रक्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वो देखो एक बच्चा कितने क्यूट सा लग रहा है और रो रहा है। तो चलते हैं आगे, फिर आगे मिलते हैं अब आपसे जर्नी के ऊपर। मौसम बड़ा अच्छा है, बॉडी पेन होनी शुरू हो गया है। चलो लेट्स गो, निकलते हैं। वेलकम टू राव होटल। यहाँ पे तो बट इसका थैंक यू का लगा होना चाहिए था। सो
अच्छा था खाना, बढ़िया लगा मुझे। पराठा जा प्याज की थोड़ी कमी थी बट फीलिंग अच्छी थी, बट मज़ा आ गया, पेट अच्छे से भर गया। थैंक गॉड मैंने दो नहीं मंगा लिए, नहीं तो नहीं खाए जाते वो। सो अब कोई स्टॉपेज नहीं है, अब देखते हैं हमें यहाँ से आगे का रास्ते में हमें कोई ट्रैफिक ट्रूफिक नहीं मिलेगा, अब हमें सब ओपन ओपन लोकेशन मिलेगी। और देखोगे यहाँ पे, देखो ये छोटे छोटे पहाड़, छोटे छोटे पहाड़, इसीलिए मैंने कहा था छोटी सी रोड ट्रिप। मुझे पता नहीं लगता ये वाली सड़क क्यों बनाई जाती है, ये इतनी रिस्की सड़क है, गाड़ी के लिए नहीं लेकिन बाइक्स के लिए ये सड़क बहुत रिस्की होती है। बोले तो ये जो आई थिंक जब सड़क बनी थी, ऐसे लगता है जब सड़क बनी थी तो उसके ऊपर कोई ट्रक या गाड़ी चला दी गई है अच्छे तरह से, जिस वजह से ये ऐसी होती है। और ये बहुत रिस्की होती है, मेरे को बहुत डर लगता है इसमें, मैं बहुत धीरे चलाता हूँ। हाँ ये ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, ये फ्लो में चलेगी। वेलकम टू राजस्थान। सो अभी जयपुर के पास पहुंच गए हैं। जयपुर बेसिकली अगर मैं फ्लाईओवर के नीचे से निकल जाता तो जयपुर सिटी पे चल जाता। ये है जयपुर बाईपास रोड। सो यहाँ से हम उदयपुर की साइड हो जाएंगे और हम पहुँचेंगे उदयपुर। यहाँ पे देखोगे ना छोटे 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 पहाड़ हैं। सो बड़े बड़े पहाड़ देख के उसके बाद मैंने कहा छोटे पहाड़ देखते हैं। मुझे यहाँ फ्लाईओवर के नीचे से दोबारा से हाईवे के ऊपर चढ़ना है और देन वहाँ से फिर उदयपुर की तरफ, यहाँ से मैं मुड़ूंगा राइट। मुंबई जाना है तो ये रूट हमारे लिए नहीं है, हम जा तो आज की जर्नी है थोड़ी सी बड़ी, जिस वजह से हम स्टॉप नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा कहीं नहीं रुक रहे हैं। तो बस मैं थोड़ी सी टांगे सीधी करने के लिए एक बार यहाँ रुका हूँ। सो ये है कोई रेस्टोरेंट था, होटल हाईवे, अंदर नहीं गया, जस्ट उतर के एक बार टांग वांग सीधी करी उसके बाद बैठ जाते हैं। सो जर्नी अच्छी चल रही है। अभी जोन सी मैंने आपको लास्ट शॉर्ट में दिखाया है कि वहाँ से बाईपास रोड से मैं आया और वहाँ से सीधा जाता तो आगरा आ जाता, हम वहाँ से राइट हो गए फ्लाईओवर के नीचे से, तो ये रूट हमारा जाता है आगे उदयपुर की तरफ, मतलब कि राजस्थान में और अंदर की साइड पे चल जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा आगे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो चलते हैं फटाफट से आगे। पे 600, 700, 800 किलोमीटर भी आराम से कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल 80, 90 की स्पीड पे आया हूँ और अभी मेरा टाइम हुआ है 4:30 और 450 किलोमीटर मैं कर चुका हूँ और कांस्टेंट स्पीड पे आया हूँ। बीच में दो बार मैंने ब्रेक भी लिया है और बहुत अच्छे से चला है, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पर कोई प्लेन सड़कें हैं, कोई ऑफ रोड टाइप का नहीं है, कोई सड़कें ख़राब नहीं है। सेकेंड, सारी हाईवे रूट है, कोई ये नहीं है कि छोटे छोटे कट्स आ रहे हैं या रेड लाइट्स आ रही हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। सो इस वजह से, ये दो रीज़न की वजह से ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि जहाँ पे 3 घंटे का टाइम लगना है वहाँ पे 2 घंटे में आराम से पहुँचे जा सकता है। तो एक सडन चीज़ मुझे दिखाई दी, ये देखो एक चीज़ मुझे दिखाई दी, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, गूगल यहाँ पे दिखा रहा है कि इस जगह के नीचे जो है वो नहर टाइप का कुछ पानी है जो यहाँ से यहाँ क्रॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ सारा सूखा पड़ा, ये देखो दोनों साइड पे है, उधर से यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन पीछे फ्लाईओवर के ऊपर भी दिख रहा था, यहाँ से अगर देखोगे तो सारा सूखा है। जबकि
यहाँ पे ये दिखाते हैं, इसका नाम है खारी नदी, ये लिखा है खारी नदी, बट अब तो खारी भी नहीं है ये। तो मुझे मिला, मैंने कहा आपको दिखाना चाहिए ये, मैं खुद हैरान हो गया ये क्या चीज़ है। चलते हैं आगे, अगर ऐसी कुछ भी चीज़ें मुझे दिखेंगी जो नॉर्मल से थोड़ी सी हट के होंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। उदयपुर है यहाँ से 50 किलोमीटर्स। सो अभी मैंने यहाँ से वीडियो क्यों ऑन करी है, मैं आपको दिखाता हूँ। दूर से मुझे नज़र आ रही थी यहाँ पे ना एक शिव जी जी की मूर्ति लगी हुई है, बहुत बड़ी मूर्ति है, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। तो मुझे भी बड़ी अच्छी लगी थी, दूर से देखी बड़ी सही लग रही थी, चमक रही थी, क्योंकि उस पर ना कहीं से लाइट पड़ रही है। आई डोंट नो आपको यहाँ से दिखाई दे रही है कि नहीं, मैं एक बार पास पहुँचता तो आपको दिखेगी। तो एक घंटा और लगेगा, एक घंटे में हम होंगे उदयपुर। सो अगर देखें तो मैंने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यहाँ से मुंबई है 790 किलोमीटर्स, उदयपुर 45 किलोमीटर, राइट। सो मैं बता रहा था कि मैंने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लास्ट ट्रिप पे मैंने जो जम्मू डायरेक्ट किया था, सीधा दिल्ली से जम्मू करा था, वो मैंने करा था 650 किलोमीटर्स, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये ऑलरेडी 650 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुका है। सो जब तक पहुँचेंगे तो ये 700 किलोमीटर की हो जाएगी। वो फाइनली अपनी मैंने पुराना मैंने रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ओके, यहाँ से वो मूर्ति दिख रही है, मैं आपको साइडवेज से दिखाता हूँ, बहुत प्यारी लग रही है। एक काम करता हूँ, मैं रुक के ना आपको मोबाइल से दिखाता हूँ, वेट हैव अ लुक। दिखाने के लिए जिस मूर्ति की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रक साइड हो जाओ, ये देखो बहुत बहुत बड़ी मूर्ति है और बहुत प्यारी लग रही है। आई डोंट नो, ओके अंदर झील टाइप है। सो मैं कोशिश करूँगा कि वापसी में मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, क्योंकि इस टाइम तो यहाँ पे जाने अंदर जाने का कोई फायदा नहीं। तो चलते हैं आगे, और अब हम आगे की तरफ। तो एक बार मेरी लुक भी देख लो, क्या हाल हुआ पड़ा है, कपड़े पूरे मिट्टी से भर चुके हैं। सो बट सो फॉर सो गुड, चलो। ये देखो अहमदाबाद मुंबई उदयपुर से 15 किलोमीटर, और ये छोटी सी टनल है, इसके पहाड़ के बीच में से काट के बनाई हुई है इन्होंने। आहा, गरम गरम हवा आ रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। सो दोस्तों, अभी जस्ट मैं आगे जा रहा था तो मुझे ना सडन एक अलग सा दिखाई दिया, तो आई थॉट कि एक बार आपके लिए दिखते हैं, दिखाते हैं, और मैं भी देखता हूँ जाके। सो है क्या, बेसिकली यहाँ पे बहुत पुराने पुराने मॉडल्स खड़े हैं बाइक के। सो लेट्स सी कि क्या क्या है इनके पास, कौन कौन सी बाइक्स हैं। चलो चलते हैं अंदर, एक बार नज़र मारते हैं। ग्रेट प्लेस गाइस, कसम से बता रहा हूँ, अगर आप आए हो कभी जैसलमेर उदयपुर आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आना। सो इनकी है ये, अभी मैं आपको एक फ़ोटो लगाई है मैंने, वो फ़ोटो पे देखो जो इनकी ये शॉप है। तो बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बहुत अच्छी, मतलब अच्छे से कंसेप्ट बनाए हुए हैं उन्होंने, तो ग्रेट। सो अभी उदयपुर पास में है, उन्होंने मुझे बताया कि आप ओल्ड उदयपुर में जाके स्टे करना, वो अच्छा है, आपको लेक व्यू बहुत प्यारा मिलेगा वहाँ का। सो वो है जस्ट यहाँ से 10 किलोमीटर। बात मैंने बताई थी कि अपनी ट्रिप को सस्ता कैसे करें, ऐसे करें ड्रीम यार्ड हॉस्टल। आप होटल की जगह आप हॉस्टल में स्टे करो, उसमें क्या है कि आपको आपका प्राइस बहुत कम हो जाता है। जहाँ पे आपको 1500 रुपये का होटल मिल रहा है, वहाँ पे आपको 600-700 रुपये का मिलता है, जैसा कि आज मुझे मिला है। सो आप भी ऐसा ही करो, राइट। सो अभी बस मेरा होटल फाइनल हो गया है, तो यहाँ पे पार्किंग लगानी है मुझे,
अरे वाह बढ़िया पार्किंग मिल गई यार, ये तो कहाँ लगो? बहुत अच्छी। सो ऑलरेडी एक राजस्थान से दो राइडर आए यहाँ के, यहाँ पे एग चाउमीन खाई जा रही है। सो देखो कि मैं किस लोकेशन पे हूँ, एक बार नज़र मारो थोड़ी सी। ये है उदयपुर, उदयपुर ये सामने लेक के अंदर ये सारे होटल्स बने हुए हैं और यहाँ पे मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ। सो ये व्यू कितना ज़बरदस्त है ये आपको सुबह पता लगेगा, अभी पता नहीं लगेगा, सुबह दिखाऊंगा। अभी इसको वीडियो को क्लोज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे को एडिटिंग भी करनी है थोड़ी सी, लैपटॉप लेके बैठा हुआ मैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अच्छे से अपने दोस्तों को। और अलग मैं दो तीन बातें बतानी थी। सबसे पहली बात कि मैंने ये जगह प्लान क्यों करी, बेसिकली था क्या, मैं पहले प्लान कर रहा था टिहरी और मुनस्यारी ये जगह प्लान कर रहा, बट ये जगह जो उनसे है ये मैं किसी भी टेम्परेचर में कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ। बट जयपुर साइड राजस्थान साइड ये सर्दियों में कर सकते हैं, गर्मियों में यहाँ करना पॉसिबल नहीं है, बहुत बुरा हाल हो जाता है, इस वजह से यहाँ। और फिर मैंने ये इंस्टाग्राम पे पोल चला दिया कि बताओ मुझे कहाँ ट्रैवल करूँ, सब ने मेरे को कहा कि माउंट आबू ट्रैवल करो। सो इसीलिए हम यहाँ पे आ गए। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना बढ़िया सा, शेयर कर देना अच्छे से। कल मिलते हैं, कल हमने आगे जाना है, यहाँ पे लोकल थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद आगे जाना है माउंट आबू, वहाँ पे जाके ट्रैवल करेंगे, वहाँ जाके स्टे करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज़ कुलप्रीत साइनिंग आउट, बाय बाय।